दिल्ली में चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान कर दिया है और इसी के साथ अनुमानों, आकलनों और भविष्यवाणियों का दौर भी शुरू हो गया है। इंडिया टुडे ग्रुप और सिसरो के ओपिनियन पोल दिल्ली में बीजेपी की सरकार का संकेत दे रहे हैं। ओपिनियन पोल के मुताबिक बीजेपी को 34 से 40 सीटें, आम आदमी पार्टी को 25 से 31 सीटें, कांग्रेस को 3 से 5 सीटें, जबकि अन्य दलों को 2 सीटें मिलने का अनुमान है। वोटों के मामले में भी बीजेपी दूसरे विरोधियों से आगे दिख रही है। इंडिया टुडे ग्रुप और सिसरो के ओपिनियन पोल में बीजेपी को 40%, आपको 36%, कांग्रेस को 16%, जबकि अन्य दलों को 8% वोट मिलने का अनुमान है। ओपिनियन पोल में मुख्यमंत्री के तौर पर दिल्ली की पहली पसंद अरविंद केजरीवाल ही है। अरविंद केजरीवाल को 35% जनता का समर्थन हासिल है, जबकि हर्षवर्धन 23%, शीला दीक्षित 6%, अरविंदर सिंह लवली 5%, अजय माकन 4%, सतीश उपाध्याय 5%, जगदीश मुखी 4% और किरण बेदी को 1% जनता मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहती है। इंडिया टुडे ग्रुप और सिसरो के ताजा ओपिनियन पोल में प्रधानमंत्री मोदी के नाम और काम का डंका बजता दिख रहा है। ओपिनियन पोल के मुताबिक 36% लोगों ने मोदी सरकार के कामकाज को उम्मीद से बेहतर माना है, 30% ने मोदी सरकार के कामकाज को उम्मीद के मुताबिक माना है, जबकि 25% का मानना है कि मोदी सरकार उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी। ओपिनियन पोल के मुताबिक दिल्ली में सबसे बड़ा मुद्दा महिलाओं की सुरक्षा है। 20% लोग मानते हैं कि महिलाओं की सुरक्षा सबसे अहम है। 17% भ्रष्टाचार को मुद्दा मानते हैं। वहीं 12% लोग पानी, 10% महंगाई और 9% लोग बेरोजगारी को अहम मुद्दा बताते हैं। दिल्ली में 7 फरवरी को विधानसभा चुनाव होंगे, जबकि 10 फरवरी को चुनाव के नतीजे आ जाएंगे। घोषणा के साथ ही दिल्ली में आचार संहिता लागू हो गई है। मुख्य चुनाव आयुक्त V.S. संपत ने दिल्ली में चुनाव की तारीखों का ऐलान किया। उनकी अगुवाई में यह आखिरी चुनाव है, इसके बाद वो रिटायर हो रहे हैं। डेट ऑफ पोल 7 फरवरी सैटरडे, डेट ऑफ काउंटिंग 10 फरवरी ट्यूसडे। चुनाव के ऐलान के साथ ही दिल्ली में सियासी पारा और चढ़ गया। बीजेपी ने चुनाव की तैयारियों को लेकर दिल्ली के वरिष्ठ नेताओं की बैठक बुलाई। इस बैठक में उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा भी हुई। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट 14 जनवरी को जारी करेगी, जिसमें सभी 25 से 26 वो नाम हो सकते हैं जो 2013 के चुनाव में जीत कर आए थे। बीजेपी में टिकट के लिए भारी मारामारी है। टिकट की आस में बीजेपी हेडक्वार्टर पर पार्षदों और नेताओं का चक्कर काटना जारी है। कांग्रेस उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट आज जारी कर सकती है। पहले दूसरी लिस्ट सोमवार को जारी होनी थी, लेकिन सूत्रों के मुताबिक आपसी कलह की वजह से ऐसा नहीं हुआ। दूसरी लिस्ट में 39 उम्मीदवारों का नाम होगा। बताया जा रहा है कि प्रदेश अध्यक्ष अमरिंदर सिंह लवली चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं। पहली लिस्ट में 24 उम्मीदवारों का नाम जारी हुआ है। कांग्रेस भी नए नारों के साथ दिल्ली के मैदान में उतरने जा रही है। कांग्रेस अपने पोस्टरों में दिल्ली के विकास को जगह देगी। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस का नया स्लोगन होगा, टूटी विकास की डोर, चलो कांग्रेस की ओर। दूसरा स्लोगन है, रुक गई विकास की रफ्तार, वापस चलो कांग्रेस के साथ। दिल्ली में आज कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक होगी, जिसमें संगठन के चुनाव के साथ बड़े सियासी मुद्दे पर भी चर्चा होगी। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और उपाध्यक्ष राहुल गांधी भी बैठक में मौजूद होंगे। दिल्ली कैंटोनमेंट बोर्ड के चुनाव में बीजेपी ने बाजी मार ली। दिल्ली कैंटोनमेंट बोर्ड की 8 सीटों में से बीजेपी के खाते में 5 सीटें आईं। पिछले चुनाव के मुकाबले पार्टी को 1 सीट का नुकसान हुआ है। वहीं कांग्रेस को 2 सीटों पर जीत मिली। आम आदमी पार्टी ने बोर्ड में पहली बार अपना खाता खोला है, लेकिन जीत की खुशी में समर्थकों के नोट उड़ाने से विवाद गहरा गया। पार्टी ने नोट उड़ाने वाले को सस्पेंड कर दिया है। वाराणसी में बीजेपी को झटका लगा है। कैंटोनमेंट बोर्ड चुनाव में सभी 7 सीटों पर पार्टी को हार मिली है। प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में होने वाला ये चुनाव बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती था। सभी 7 सीटों पर निर्दलीय उम्मीदवारों को जीत मिली है। काशी की कायाकल्प करने को लेकर आज दिल्ली में हाई प्रोफाइल बैठक होने जा रही है। प्रधानमंत्री की बुलाई इस बैठक में 3 केंद्रीय मंत्री, शहरी विकास मंत्री वेंकैया नायडू, जल संसाधन मंत्री उमा भारती और पर्यटन और संस्कृति मंत्री महेश शर्मा के साथ साथ जापानी डेलीगेशन के सदस्य भी शामिल होंगे। प्रधानमंत्री ने काशी का विकास जापान की कल्चरल सिटी क्योटो की तर्ज पर करने की ठानी है। इसी योजना के तहत काशी को देश की सांस्कृतिक राजधानी बनाया जा सकता है।
हम दो हमारे चार वाले बयान के लिए बीजेपी ने पार्टी सांसद साक्षी महाराज को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। साक्षी महाराज को अपना जवाब देने के लिए 10 दिन की मोहलत दी गई है। पार्टी ने पहले इसे निजी बयान बताकर पल्ला झाड़ने की कोशिश की थी, लेकिन बीएचपी नेता साध्वी प्राची ने साक्षी महाराज के बयान का समर्थन कर विवाद को और बढ़ा दिया। हम कहते थे पहले कि हम दो हमारे दो, लेकिन हम कहने लगे कि शेर का बच्चा एक ही है। ये गलत बात है, तो शेर का बच्चा एक ही नहीं, हमें चार चार बच्चे चाहिए। बिहार के मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। लगता है कि जेडीयू और आरजेडी के विलय के बाद मांझी की छुट्टी हो सकती है। इसका संकेत खुद मुख्यमंत्री मांझी ने दिया। उन्होंने कहा कि मर्जर के बाद वो खुद नीतीश कुमार के नाम का प्रस्ताव रखेंगे। उधर नीतीश कुमार ने भी कहा है कि विलय के बाद विधायक नए नेता पर फैसला लेंगे। स्वामी जी का युवा दिवस है आज भी, तो कम से कम धर्म का, सेवा का, ये सब बात कीजिए। कोलकाता के जादवपुर विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर अभिजीत चक्रवर्ती ने इस्तीफा दे दिया। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इसकी घोषणा की। चक्रवर्ती को हटाने की मांग को लेकर कैंपस में भूख हड़ताल पर बैठे 17 आंदोलनकारी छात्रों से सोमवार को ममता ने मुलाकात की थी। अगस्त में यूनिवर्सिटी की एक छात्रा के साथ हुई छेड़छाड़ पर एक स्वतंत्र जांच की मांग कर रहे छात्रों पर चक्रवर्ती के आदेश पर पुलिस ने भारी बल प्रयोग किया था। इसके बाद कुलपति को हटाने की मांग को लेकर छात्र लगातार आंदोलन चला रहे थे। जम्मू कश्मीर के सांबा सेक्टर में पाकिस्तान ने एक बार फिर सीज फायर का उल्लंघन किया। बीएसएफ के जवानों ने इसका मुंहतोड़ जवाब दिया। सूत्रों के मुताबिक सांबा के बैनग्लेड इलाके में कुछ संदिग्ध आतंकियों की हलचल देखी गई। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बीएसएफ की मुस्तैदी बढ़ा दी गई है। केरल से सटे समंदर में एक संदिग्ध नाव पर कोस्ट गार्ड की तरफ से की गई फायरिंग में दो मछुआरे घायल हो गए हैं। घायलों को इलाज के लिए त्रिवेंद्रम मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। सूत्रों के मुताबिक कोस्ट गार्ड का एक जहाज त्रिवेंद्रम से सटे समंदर में नियमित गश्त पर था, तभी विहिंगम हार्बर से 5-6 नॉटिकल मील दूर ये संदिग्ध बोट दिखी। सूत्रों के मुताबिक जब संदिग्ध बोट नहीं रुकी तो कोस्ट गार्ड के जवानों ने इस पर फायरिंग कर दी। नाव को कोस्टल पुलिस के हवाले कर दिया गया है। लखनऊ में जहरीली शराब पीने से करीब 12 लोगों की मौत हो गई, जबकि 20 से ज्यादा लोग गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती हैं। मामला लखनऊ के मलिहाबाद इलाके का है, जहां एक कार्यक्रम के दौरान लोगों ने जहरीली शराब पी। हादसे के बाद लोगों ने शराब की भट्टियों में आग लगा दी और तोड़फोड़ की। सरकार ने इस मामले में सख्त कदम उठाते हुए 7 पुलिसकर्मियों और आबकारी विभाग के 4 कर्मचारियों को निलंबित कर दिया है। मुख्यमंत्री ने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख के मुआवजे का ऐलान किया है। प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में अब तैरता हुआ अस्पताल काम करेगा। संकट मोचन फाउंडेशन और समुद्रा शिपयार्ड की कोशिशों से गंगा नदी में एक ऐसे तैरते हुए अस्पताल का मॉडल तैयार किया जा रहा है जो काशी के घाट किनारे रहने वाले लोगों को राहत देगा। इस तैरते अस्पताल पर करीब 2 करोड़ का खर्च आएगा। राजधानी समेत पूरे उत्तर भारत में मौसम एक बार फिर करवट ले सकता है। 14 जनवरी को पूरे इलाके में बारिश के आसार हैं। बारिश के साथ तापमान में भी गिरावट हो सकती है। 14 जनवरी से जम्मू कश्मीर में भी भारी बारिश की संभावना है। मुंबई में लगी उद्धव ठाकरे की फोटो एग्जीबिशन में सोमवार को अमिताभ बच्चन पहुंचे। उन्होंने उद्धव की खींची तस्वीरों की जमकर तारीफ की। रविवार को सचिन तेंदुलकर भी उद्धव की फोटो एग्जीबिशन में आए थे। मुंबई से सटे ठाणे में 5,378 बांसुरी वादकों ने एक साथ बांसुरी बजाकर नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। इसका आयोजन श्री श्री रविशंकर के आर्ट ऑफ लिविंग ने किया। इस मंच पर 5 साल के छोटे बच्चे से लेकर 65 साल के बुजुर्ग भी थे। मशहूर बांसुरी वादक पंडित हरि प्रसाद चौरसिया इस मौके पर मुख्य अतिथि थे। पंजाब के मोहाली की फेज 5 मार्केट उस वक्त सन रह गई जब अचानक गुरमीत कौर नाम के युवक ने अमनदीप कौर नाम की लड़की पर सरेआम गोलियां बरसानी शुरू कर दी। लड़की पर 3 गोलियां चलाकर आरोपी फरार हो गया। मामला प्रेम प्रसंग का है। बीएससी की छात्रा अमनदीप कौर का परिवार दोनों की शादी के खिलाफ था और खुद अमनदीप भी परिवार के खिलाफ नहीं जाना चाहती थी। इसी से नाराज होकर युवक ने अपनी गर्लफ्रेंड को मौत के घाट उतार दिया।
पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। केवल 5 मिनट में स्कॉर्पियो कार चोरी होने की घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। घटना दिल्ली के गोकुलपुरी में गंगा विहार की है। इलाके में पिछले 3 महीने में ठीक इसी तरह 3 गाड़ियां चोरी हो चुकी हैं। सीसीटीवी में साफ दिखाई दे रहा है कि किस तरह चोर इको कार में बैठकर आते हैं और स्कॉर्पियो कार उड़ाकर फरार हो जाते हैं। हैरानी की बात यह है कि सीसीटीवी फुटेज होने के बावजूद पुलिस के हाथ खाली हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में शराब का जाम जिंदगी पर भारी पड़ गया। जहरीली शराब पीने की वजह से 12 लोगों की मौत हो गई, जबकि 22 लोगों को गंभीर हालत में ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया है। इसके अलावा दर्जनों लोगों का इलाज बलरामपुर के अस्पताल में भी चल रहा है। मरने वालों में एक महिला भी शामिल है। जहरीली शराब से हुई अनहोनी के बाद यूपी सरकार ने सीओ समेत 6 पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया है। हरियाणा के यमुनानगर में लचर कानून व्यवस्था का मजमून सीसीटीवी के इस फुटेज में कैद हुआ है। बदमाशों ने सरेआम दुकान पर गोलियां चलाई और भाग खड़े हुए। दुकानदार का कहना है कि ये काम दीनू और रवि राठी गैंग का है, जो व्यापारियों से गुंडा टैक्स वसूल करते हैं। व्यापारी के गुंडा टैक्स देने से इनकार करने पर भड़के बदमाशों ने दुकान पर फायरिंग कर दी। इस मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पंजाब के बठिंडा में पुलिस थाने के भीतर ही फायरिंग हो गई। गोली एक पुलिस वाले को लगी है, जिसका इलाज अस्पताल में किया जा रहा है। मामला प्रॉपर्टी विवाद का था। एक पक्ष जब थाने से भागने लगा तो पुलिस ने उन्हें पकड़ने की कोशिश की। खुद को छुड़ाने के प्रयास में आरोपी ने पुलिस वाले पर गोली चला दी और फरार हो गया। पुलिस ने अलग अलग धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अमेरिका में साइबर अटैक हुआ है। खबर है कि यूएस सेंट्रल कमांड सोमवार को ISIL के निशाने पर रही। ISIL ने सेंटकॉम ट्विटर अकाउंट और यूट्यूब अकाउंट को हैक कर लिया। करीब आधे घंटे तक वेबसाइट पर ISIL के आतंकियों ने धमकी भरे संदेश प्रकाशित किए। हालांकि बाद में अमेरिकी सुरक्षा एजेंसियों ने अपने ट्विटर हैंडल और यूट्यूब अकाउंट को दोबारा हासिल कर लिया। वॉशिंगटन DC एलन फेंट प्लाजा मेट्रो स्टेशन सोमवार को अचानक आग की घटना के बाद खाली कराना पड़ा। आग के बाद पूरे मेट्रो स्टेशन में धुआं भर गया। मेट्रो ट्रांजिट पुलिस और फायर विभाग देर तक हालात पर काबू पाने की कोशिश करते रहे, लेकिन आग की वजहों का पता नहीं चल पाया। ऑटो इंडस्ट्री में हो रही छंटनी की खबरों के बाद ब्राजील में ऑटो इंडस्ट्री में काम करने वाले हजारों लोग सड़कों पर आ गए। करीब 7,000 कर्मचारियों ने हाईवे को जाम कर दिया। प्रदर्शनकारियों में फॉक्सवैगन AG, फोर्ड मोटर कंपनी और मर्सिडीज बेंज के कर्मचारी भी शामिल हैं।